इंटरव्यू दिया जाता है शांति से, बिना प्रेशर से। ये चीज मुझे पता चली आज, आपका दिमाग कभी काम करता है कि आप शांति से बैठो। और ज्यादा कोई इतना टफ नहीं था, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है बताओ, विधि क्या चीज है विधि। आज का व्लॉग APO का इंटरव्यू, मतलब लीगल एड जो डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी आई थी उसमें मैंने भी फॉर्म फिल किया था असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल में, तो मेरा इंटरव्यू है। वैसे मेरे तीनों डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया है, मैं एक ही दूंगा इंटरव्यू, होना होगा तो हो जाएगा। वैसे इस जॉब के लिए बहुत बड़े लोगों की अप्रोचें आ रही हैं, मुझे पता चला है, पर नाम नहीं लूंगा किसी का। तो अपना काम है कि इंटरव्यू दे के आए। सोनू भैया आए इंटरव्यू दिलाने। इंटरव्यू दिलाने और क्या, गरीब मतलब ड्राइवर बन के चल रहा हूँ आपका। कोई ना कोई चाहिए होता है गरीब आदमी को। तो आप मेरे सहारा हो। फाइल ले ली है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए, ऐसे होना जाना तो कुछ ही नहीं है, सारी सेटिंग पता चल गई हमें। आप क्यों नहीं बैठा रहे कोई सेटिंग? अरे अपन ईमानदारी से काम करते हैं। बैठ नहीं रही, नहीं तो सब बैठाते सेटिंग। नहीं नहीं अभी ईमानदार आदमी अपन बिल्कुल। और देखो एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ तो बस तीनों वाले मैं तो तैयार होकर क्यों जा रहा हूँ यार इंटरव्यू? क्या चड्डे में जाऊँ? नहीं चड्डे में तो मत जाओ, ऐसे आप तो बंटन के जैसे आरजेएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में। अब देख लो ड्रेस नॉर्मल है जो वकील पहनते हैं लोग, इसमें क्या है बताओ, इसमें ऐसा कुछ है ही बताओ। जो इंसान जयपुर से हिमाचल भी चड्डे में चला जाए, जो इंसान 5-star होटल में भी चड्डे में चला जाए, जो इंसान का चड्डा छूटता ही नहीं चाहे वो कहीं चला जाए। मैंने सही है, कंफर्टेबल है। नहीं नहीं वो बात सही है, इंटरव्यू देने में तो इंसान कपड़े में जाएगा चड्डे में नहीं जाएगा। चड्डे में जो मैं ये नहीं कह रहा चड्डे में जाओ, जो इंसान इतना मतलब वो रहता है इसको ऐसे बंठन के देखना तो वाली बात है भाई। क्या है वो चड्डे में अलाउ करेंगे नहीं, मैं चड्डे में चल जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये क्या सामने पेट्रोल पंप इन्हीं का है, ऑफिस है देखो सामने। ये तो क्या ट्रेनिंग नहीं है, अटेंडेंस है। अटेंडेंस ठीक है, अटेंडेंस हो रही होगी और यहाँ पे जेन्युइन पेट्रोल मिलेगा आपको, कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। उसका रीजन है क्योंकि ये पेट्रोल पंप बता है क्योंकि ये कंपनी खुद ऑपरेट करती है। कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड, यानी कि प्रॉपर्टी भी कंपनी की है और ऑपरेट भी कंपनी करती है। मोस्टली सारे डोडो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही ऑपरेटेड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर की ही प्रॉपर्टी होती है। देखो किसी भी पेट्रोल पंप पे आप ये फ्री सेवा ले सकते हो, कार साफ कराने की, एयर की भी ले सकते हो। और ये तो ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पे नाइट्रोजन फ्री भरता ही है, जिसकी 100 रुपए लेते हैं जनरली। आप कहीं पे भरवाओगे ना बाहर तो 100 रुपए लेते हैं, यहाँ पे फ्री में भरते हैं नाइट्रोजन। ये तो मुझे नहीं पता, अभी जो देखो आप यार, तो इसमें नाइट्रोजन भरवाओगे? बिल्कुल नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन से थोड़ी बबलिंग वगैरह कम करती, मतलब सही रहता है। पे लिखा भी है नाइट्रोजन और 100 रुपए लगता है इसको भरवाने, बाहर से भरोगे तो कोई भी आओ तो देख लो ये पेट्रोल इस लोकेशन में टॉक फाटक के, ये सब जानते हैं, 22 गोदाम जयपुर वाले तो जानते ही होंगे। ये रहा अपना सेशन कोर्ट और अब तो खाली हो गया होगा, यहाँ भीड़ बहुत लगती है, बस यहाँ आओ तो भैया 4 बजे तक जाम रहता है। ऊपर देखो कितनी बाइकें खड़ी है, बहुत ज्यादा पार्किंग की समस्या है। और मैं तो 2:30 बजे बुलाया था, 2:30 बज गए हैं, देखते हैं एंट्री देंगे तो ठीक है, इंटरव्यू क्या होगा बताऊंगा आपको। मैं आपकी वीडियो देखता हूं सर। अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गए और जो ओरिजिनल मतलब सारे ओरिजिनल देख रहे हैं जो जो आपने डॉक्यूमेंट में लगाए। अभी कमिटी मेंबर आए नहीं, मेरा तो लास्ट में है नंबर, कम से कम एन के वजह से। और आधे बच्चा है कर्नाटक से भी बच्चा है, सोचो आप। आप बोलते हो ना क्यों बनाते हो वीडियो, कर्नाटक से भी बच्चे आ रहे हैं। सारे सर की वीडियो देख के यार सर का कंपटीशन बढ़ा ले। मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रह भी जाऊंगा। तो ये भाई दिल्ली से है, आपकी वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख के, बहुत दूर दूर से आए हैं तुम। हाँ सर, अच्छी तरह देना इंटरव्यू। इस भाई का पहला इंटरव्यू था और ये किसके आया है बता, क्या क्या पूछा? पूछा सिंपल थे, ज्यादा कोई इतना टफ नहीं था, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है वो बताओ, विधि क्या चीज है विधि, विधि हिंदी में बोला उन्होंने, कहा इंग्लिश में बताओ विधि का मीनिंग क्या है, और क्राइम क्राइम का क्या मतलब, मतलब थे बेसिक पर ठीक है। अच्छा 5 मिनट चला, तो कितना चला? 5-10 मिनट, 5 से 10 मिनट तो चला। चलो बढ़िया, 5-6 लोग बैठे थे। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन पे भी पूछा उन्होंने, कहाँ से करी है अपने बारे में बताओ, कितने ईयर की करी, 5 ईयर की करी आपने, लोग 3 ईयर की करी, ये सब उन्होंने पूछा। फाइनली भाई का अच्छा रहा।
हो गया इंटरव्यू और बहुत बुरा इंटरव्यू हुआ है। और देखो बेसिक क्वेश्चन थे वैसे तो, बट परेशान मैं इतना हो गया सुबह से क्योंकि दो दिन से सोया नहीं मेंस है, और मतलब चार पांच घंटे से खड़े हैं, बैठने की जगह भी नहीं थी, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अभी समझ लो उसके बाद कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा नंबर भी एंड में था बिल्कुल। दो बजे ढाई बजे के बैठे हैं सोचो कितने बजे भैया, 6:02 6:02 हो गया, मेरा इंटरव्यू चला 5 मिनट, मैंने सब में सॉरी सर मेरे को नहीं होना सेलेक्ट सर, मुझे माफ करो सर, ऐसे बोल गया। नहीं ऐसे बोला, जाने वाला था मैं, आने वाला था कि मेरे को यार नहीं देना इंटरव्यू, में तो मना भी किया था, पर ठीक है आ गया। बहुत ही यार ऐसे ले रहे हो, कोई आरजेस बना रहे हो यार इंटरव्यू। यार 2 बजे से अब तक कितने लोगों का इंटरव्यू था? अरे भैया 23 तारीख से चल रहा है इंटरव्यू, इसमें कितने लोग सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने पता ही नहीं भाई। और इसमें भी वो आ रही है क्या, वो अपन नहीं बोल सकते ना, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, तो सॉरी सॉरी बोल के आओ ना। वो भी इंटरव्यू मेरी देखी उसमें रिटर्न, आप रिटर्न भरते हो कमाल है, तो आईडिया नहीं मांगी इन्होंने। हाँ और फिर उसने पूछा मेरे बारे में, इनकम कैसे है, यूट्यूब के बारे में बताओ, अच्छा कितनी हो जाती है, तो अच्छा 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 बोला आप कैसे मैनेज करोगे, मैंने कहा सर मैं मेल्स था 2 दिन था, मैंने उसमें वीडियो डाल दिया, तो नॉर्मल चीज है मेरे लिए। सही है, बहुत बुरा हुआ है भैया, पक गया था मैं तो, सही गया, मैं तो बैठे बैठे वेट ही कर रहा हूँ जब से एयरपोर्ट में बैठूंगा। पहला वो भी जाता ना, याद भी आ जाती है, मेरे को कलरेबल रजिस्ट्रेशन याद नहीं आया, मैंने बता दिया ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ढंग से। 5 मिनट में कितने ही सवाल पूछ, कितने लोग थे मेंबर बोर्ड में, कितने लोग थे? अरे 5-6 लोग है, पूरी टीम बैठी है। अब हो गया खत्म आज का तो कोटा, एक ने तो भाई ने बहुत ऐसे वर्ड पूछे, मैं सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर 5 बार सॉरी बोला ना उसको कंटिन्यू। सही बोल रहा हूँ, तो लेटिन मैगजीन क्या काम आएगी बोले। अरे वर्ड वो कहाँ यार, प्रैक्टिकल चीजें पूछे तो फिर भी मतलब है, वैसे रटा नहीं जाता, रटा जाता आरजेस नहीं बन गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछो, कॉन्सेप्ट बेस्ड आरजेस में भी नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट आरजेस में भी डेफिनेशन पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो यार, कोई मजा नहीं आता यार। ठीक है चलो कोई नहीं, अब कुछ खाते हैं, आपको गुलाब जी दिखाते हैं। कुछ नहीं खाना, 6 चाय पी चुका हूँ और 2 समोसे और 1 वो खा चुका हूँ, प्लीज प्लीज मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, पहले बताओ 6 चाय पी ली मैंने आज, आपको और कुछ मिला? 3.5 घंटे से ना 1 चाय नहीं, पंडित कुछ भी नहीं, पंडित जी के चलो अरे वो तो खा लो, मैं कुछ भी नहीं, आपकी सोगन 5 चाय पी थी और 1 मैंने बन खाया था और 2 समोसे खाए थे, ऐसा मत करो। नहीं आपकी मैं बिल्कुल भी नहीं। ये है गुलाब जी, मैं कुछ नहीं लूंगा आपके, लेना तो पड़ेगा, मैं तो आपकी सोगन बिल्कुल नहीं लूंगा भैया। 2 चाय दे दो और 2 बन समोसा दे दो, 2 चाय, कुछ पैसे तो कटवाऊं, ये तो भीड़ी बहुत है यार। नीतू भैया का बेहतरीन इंटरव्यू, उसके बाद चाय की पार्टी हो रही है। बेइज्जती हो गई? कोई बेइज्जती नहीं है, और ये मेरी आज तक की शायद हाईएस्ट चाय है, एक दिन में मैं 6ठी या 7वीं चाय पी रहा हूँ नीतू भैया की बदौलत। घंटे इंटरव्यू चला है यार, मजाक चलता है ये, 15 जनों का इंटरव्यू, मतलब एक दिन में 30 जने बुलाए थे, उसमें 15 जन आया, और कर्नाटक से भी बंदा आया, कर्नाटक से 20-25 हजार की नौकरी के लिए भी लोग इतनी दूर से आ रहे हैं क्या? बेरोजगारी, एक्चुअली में बेरोजगारी तो है। चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस तो मिला, मेंस क्लियर कर लोगे तो आरजेस के इंटरव्यू में काम आएगा। इंटरव्यू दिया जाता है शांति से, बिना प्रेशर से, ये चीज मुझे पता चली आज, आपका दिमाग तभी काम करता है जब आप शांति से बैठे हो और खड़े रहे, 5-6 घंटे कोई खड़ा रहेगा उसके वैसे हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। चलो कोई नहीं, चलो चाय एंजॉय करो आप तो। ये है गुलाब जी चाय, जो भी जयपुर में प्रैक्टिस करता है उसको पता होगा कितना चलता है, अभी 6 बज चुके हैं उसके बावजूद भी यहाँ भीड़ है, ऊपर भी है, इसमें ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, काफी अच्छा फेमस है जयपुर में गुलाब जी चाय।